गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपको मैं स्वागत करता हूं इस क्लास के लिए। और हमारा जो चल रहा था लास्ट टाइम, मैंने तुम्हें बताया कि वर्नर जो था उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों अपनी थ्योरी दी, क्यों दी, कैसे दी, उसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको बताई थी कि वर्नर ने जब फाइंड किया कि COCl3 जैसे कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अमोनिया डाला तो उसको कई कंपाउंड्स मिले, एक नहीं कई कलर के कंपाउंड्स मिले। और उन्होंने देखा कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनके कलर भी डिफरेंट हैं। और जब उसने प्रेसिपिटेट किए क्लोराइड आयंस को तो वो डिफरेंट मोल्स ऑफ क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुए। कंडक्टिविटी की मेजरमेंट्स उसने की तो नंबर ऑफ आयंस भी डिफरेंट मिले। उसके बाद उसे समझ में आया कि यहाँ पर दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें यही बताया तुम्हारे को कि कोऑर्डिनेशन मेटल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस शो करते हैं। तो मैं जरा सा तुम्हें रिवीजन दे रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स? बोलो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारे साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या मेन बात बताई कि ये सारी जो डिस्कवरी हुई है ये किसने की है, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, किसके नाम पर जा रही है, वर्नर्स। आपको पता है कि सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो वर्नर्स थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो वर्नर की थ्योरी ने, वर्नर का क्या कंक्लूजन था जो उसने एक्सपेरिमेंट किए और जब उसने कोबाल्ट के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए COCl3 के अमोनिया को डिफरेंट मोल्स डालने के बाद, तो उसने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इसके अंदर जो मेटल्स हैं, मेटल एटम्स हैं स्टूडेंट, मेटल एटम्स हैं, मेटल्स जिन मेटल्स से वो बने हुए हैं वो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस या वैलेंसी शो करते हैं, वैलेंस शो करते हैं। और एक उसने कौन सी वैलेंस बताई, जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें याद है कौन सी बताई उसने? बोला एक प्राइमरी लिंकेज होती है, प्राइमरी लिंकेज, उसे प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं, मतलब एक प्राइमरी वैलेंसी होती है। आपको पता ही है वैलेंसी जब हमने 9th, 10th, 11th में पढ़ी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है। और जब डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैलेंसी में फर्क है, वो सेम वैलेंसी नहीं है जो हम कह रहे थे। एक प्राइमरी वैलेंसी है स्टूडेंट्स जो जो कि हमने कहा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है स्टूडेंट्स। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो आपको हमने बताया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की स्टूडेंट, मेटल की वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ये जो वैलेंसी है ये आयनाइजेबल है, ये कौन सी है, आयनाइजेबल है। और ये कैसे सेटिस्फाइड होती हैं, ये सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस हैं। और दूसरी उसने कौन सी बताई, उसने बोला एक दूसरी होती है सेकेंडरी लिंकेज स्टूडेंट्स। सेकेंडरी लिंकेज जो होती है वो सेकेंडरी लिंकेज क्या होती है स्टूडेंट्स, कि ये जो नॉन आयनाइजेबल है ये वो है जो सेंट्रल एटम के साथ बना रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये सेकेंडरी ये जो सेटिस्फाइड करते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं स्टूडेंट, या जैसे एनायंस आपने पढ़े हैं Cl- Cn- ये सब लीगेंड्स कहलाते हैं। ये लीगेंड्स होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स को डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन के साथ। तो Cl- Cn- हैलोजन्स जितने भी हैं, OH- और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि H2O है, इसमें ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमोनिया है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। और ये अभी हम दिखाएंगे CH2, NH2 देख रहे हो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दो लगी हुई है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें इसे शॉर्ट फॉर्म में EN कहा जाता है। और ये ऑक्सालेटो देख रहे हो, ये सब है एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो ये सेटिस्फाई हो सकती है, सेकेंडरी जो लिंकेज है वो नॉन आयनाइजेबल है, सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। और
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी है। तो ये तो नॉन आयनाइजेबल है, ये आयन नहीं बनाएंगी, ये आयन नहीं बनाएंगी। और ये इक्वल टू किसके होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन, इसे क्या बोला था हमने स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड लिगेंड है वो अब बॉन्ड बना रहे हैं, जॉइंट है सेंट्रल मेटल आयन से, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था। और जो पॉलीहाइड्रा का स्पेशल अरेंजमेंट है वो भी कौन से डिसाइड करती है, सेकेंडरी लिंकेज, सेकेंडरी वैलेंस, इसे सेकेंडरी वैलेंस भी कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट्स कोई कॉम्प्लेक्स सम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपने अगर ये कंपाउंड लिखा है CONH3 स्टूडेंट 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CL3, आप देखो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। अब बताओ कि इसके अंदर प्राइमरी वैलेंस कौन कितनी है और सेकेंडरी वैलेंस कितनी है। अब ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पर कि बताओ कि क्वेश्चन आपको प्राइमरी वैलेंस 3 है और सेकेंडरी वैलेंस 6। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता है हमारे लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन बहुत होता है और स्टूडेंट्स पूरी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ब्रेन एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, मतलब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम कर पाएंगे, हमें थोड़ा अपना ब्रेन का यूज करना है, समझना है, चीजों को समझना है, रट्टेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तो समझने के लिए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी होते हैं, उससे जो भी मैं लिखता हूं वो ज्यादा समझ में आता। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया और उसको सॉल्व किया, उससे हमें ज्यादा समझ में आया कि ये प्राइमरी वैलेंस कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंस कौन सी है। स्टूडेंट अब देखो कि इस केस में ये देख रहे हो, ये ब्रैकेट जब लग जाती है तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन्हें लिगेंड्स कहा जाता है, इन्हें लिगेंड्स कहा जाता है, ये जुड़े हुए हैं कोबाल्ट के साथ। तो कोबाल्ट के साथ ये बना रहे हैं, कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितने दिख रहे हैं तुम्हें, NH3 6 है, तो 6 अमोनिया लगे हैं स्टूडेंट्स। तो ये अमोनिया आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं किसको, सेंट्रल मेटल के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, तो ये उनको डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये जो अंदर मैंने दिखाए ये तो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्लोराइड आयन 3 है मेरे पास, 1, 2 और 3, ये तो फ्री है, ये फ्री है, ये आयनाइजेबल है, क्या है, आयनाइजेबल है स्टूडेंट्स। और ये वाले हैं, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है स्टूडेंट्स, ये आयोनाइज नहीं होते, जो अंदर वाले होते हैं वो नहीं टूटते, यही हमने डेफिनेशन बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और ये बाहर जो लगे हुए हैं ये तो सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा तो कितने मोल यूज होगा सिल्वर आयन, इसका एक मोल अगर मैं लूंगा तो सिल्वर आयन के कितने मोल लगेंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। अगर मैंने एक मोल इसका लिया स्टूडेंट, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये है मेरा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका क्या नाम है, IUPAC नेम हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं, इसका क्या नाम है स्टूडेंट, हेक्साएमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है क्लोराइड। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड मैंने लिखा स्टूडेंट, इसके अंदर अगर मैंने एक मोल इसका लिया तो कितने मोल यूज होने हैं मेरे सिल्वर आयन्स के, जल्दी से बताओ कितने मोल सिल्वर आयन यूज होगा, 1, 2, 3 जल्दी बताओ कितने हैं, ये 1, 2, 3 है, तो फिर 3 मोल यूज होना है, और कितनी मोल मिलेगी ये AgCl, 3 मोल बनने हैं इसके,
इसी के बेसिस पे तो वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी। ये आयनाइज तीन हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेशन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, वो तीन है स्टूडेंट, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी तीन है। आपने क्या बताया, इसकी प्राइमरी वैलेंसी तीन है। ये आयनाइजेबल है, काउंटर आयन्स, जो बाहर आयन्स है उन्हें काउंटर आयन्स में कह रहा हूँ, ये आयनाइजेबल है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी इसकी सिक्स है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सिक्स। तो वर्नर का ये कहना था कि दो टाइप के लिंकेज होते हैं, दो टाइप की वैलेंसी होती है, तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। अगर एक ही टाइप की वैलेंसी है तो जैसे मैंने लिखा COCl3, इसमें तो एक ही वैलेंसी है स्टूडेंट, इसमें कोबाल्ट की कितनी वैलेंसी है, आपने लिखा +3, 3 है, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक ही वैलेंसी है ओनली वन। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया तो दो टाइप की वैलेंसी मिली। इसका तो जो Cl3 है तुम्हें पता ही है, 3 Cl- है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोबाल्ट 3+ और 3 Cl- स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो इसका जो प्राइम वैलेंसी है जिसे मैंने प्राइमरी वैलेंसी कहा वो +3 है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसने बना दिया तो फिर लिगेंड्स उसके अंदर आगे जुड़ गए, तो इस तरह से दो टाइप की लिंकेजेस मिली, दो टाइप की वैलेंसीज मिली स्टूडेंट्स। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि हम ये निकाल सकते हैं कि कितने सेकेंडरी वैलेंसी है और कितनी प्राइमरी वैलेंसी है। इसका सही आंसर स्टूडेंट ने दिया मुझे, आपने सही आंसर किया। तो बताओ ये दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में अब कोई डाउट रह गया हमें, बोलो क्लियर हो गया? यस सर। तो देखो कि ये उसने जब AgCl की प्रेसिपिटेशन की थी उसके बाद ही ये सारी उसने बताई कि भाई ये कंपाउंड है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, उससे पता लग जाएगा कि इसमें आयनाइजेबल कितने हैं और नॉन आयनाइजेबल कितने आयन्स हैं स्टूडेंट्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी को पता करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हैं कि कितने लिंकेज हो रही है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी हो गई और बहुत सारे कंपाउंड बनने शुरू हो गए कोऑर्डिनेशन के, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उनका हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे उनका IUPAC नेम लिखेंगे, ये सारी की सारी यूज होने वाली हैं। दो वैलेंसीज का तो पता लग ही गया तुम्हें, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, किसने बताई थी ये, वर्नर ने, ठीक है। आयनाइजेबल है कौन सी, प्राइमरी और नॉन आयनाइजेबल वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल के साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला टर्म उसने आपको दिया है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है स्टूडेंट, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मैं लिखता हूं, जब मैंने लिखा K4FeCN6 ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बोलो है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा स्टूडेंट FeCN6, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, देखो ये टूटेगा कैसे 4K+ में, और यहां पे कितना आएगा FeCN6 के ऊपर कितना आएगा स्टूडेंट चार्ज, 4+, ठीक है, टोटल न्यूट्रल होता है ना, 4+ वाले और 4- वाले मिला के तो कितने हो जाएंगे इसके स्टूडेंट्स, तो ये 4+ है तो ये 4- आना चाहिए, माइनस आना चाहिए तभी, तो वो इसको ठीक कर लेते हैं, मेरा मतलब था माइनस ही, तो ये कितना आया स्टूडेंट्स यहाँ पर चार्ज, एक प्लस में आया, दूसरा क्या होगा माइनस, टोटल चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है तो जीरो होता है ना, ठीक हो गया। ये कैटायन था, ये एनायन है, ये कैटायन है स्टूडेंट, ये क्या है, एनायन है, ठीक है, बोलो स्टूडेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे हमें सॉल्यूशन के अंदर, टोटल आयंस कितने मिलेंगे बताओ, इसके अंदर टोटल आयंस कितने मिले हमें, ये 4 आयंस इसके हैं और एक इसका है, 4+1 5 आयंस है, इसके कितने हैं 5 हैं, समझ में आई। अब
इसका ये हमने लिखा। अब ये क्वाड्रिनियन, ये आयरन का, आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये मेरा क्या है स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल। ये मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आपने पढ़े हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं, देखो वही तो बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि क्योंकि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इसका रीजन आपको बताया था जब मैंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में बताया कि एक तो इनके पर चार्ज काफी होता है, दूसरा इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, डी वाले, एस वाले, पी वाले, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो लोन पेयर वाले आते हैं उनको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन मैंने लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। बॉन्डेड, बॉन्डेड किसको है, बॉन्डेड टू, किससे बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कौन से, नंबर ऑफ क्या है, आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके साथ में जुड़े हुए होंगे कुछ ग्रुप्स, कुछ या तो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्टली। तो वो ये तुम्हें पता ही है कि ये बॉन्ड बना रहे हैं आयरन के साथ, क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे केस हैं हमारे पास, वो हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे यहां, बहुत रेयर केसेस हैं, क्यों NO+ प्लस बेस होना चाहिए स्टूडेंट। देखो ये जो होता है ना, ये जो जिन्हें मैं बाद में अभी लिगेंड्स डिफाइन करने जा रहा हूं, अभी डिफाइन करने जा रहा हूं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और ये लेगा, तो उनके पास होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो वो डोनेट करते हैं। तो पॉजिटिव वाले बहुत कम केस होंगे, ऐसे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, अमीनो एसिड्स वगैरह में होता है कि कुछ प्लस चार्ज वाले भी होते हैं अमीनो एसिड्स, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव है, वो बहुत कम है। अच्छा क्वेश्चन था, वो कम है। तो ये ज्यादातर मैंने भी बताया न्यूट्रल है या एनायंस है, कौन से मैंने बताए, न्यूट्रल और एनायंस, क्योंकि ये लीविस बेसिस होते हैं स्टूडेंट। लीविस बेस कौन से होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और जो सेंट्रल मेटल है स्टूडेंट मेरा, सेंट्रल मेटल, मेटल एटम है यहाँ पर, वो क्या काम करता है, लीविस एसिड का काम करता है, मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन सेंट्रल मेटल एटम प्लस द बॉन्डेड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर मैं ये कहूं NiCO4 स्टूडेंट, तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टूडेंट्स। क्या है ये कोऑर्डिनेशन, ये CO क्या है तुम्हें पता है, CO का ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है स्टूडेंट। तो ये इसके पास भी देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, बड़ा पावरफुल डोनर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए कार्बन के पास, जो ये डोनेट कर सकते हैं किसको, निकल को, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल, जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है निकल। तो यहाँ पर ये मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है किसका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। तो ये एग्जांपल्स मैं किसके दे रहा हूँ स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। सर टेट्रा क्यों आएगा, हाँ टेट्रा कार्बन क्यों आएगा, अरे चार लगे हैं ये, टेट्रा कार्बोनिल कह रहा हूँ, कार्बन थोड़ी कह रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके, अभी IUPAC में इनको बताऊंगा मैं तुम्हें, टेट्रा का मतलब फोर लगे हैं, कौन से कार्बोनिल, सर कार्बोनिल मैं सुना नहीं, सॉरी। हाँ ये कार्बोनिल निकल, ये निकल है और ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये न्यूट्रल है, यह न्यूट्रल वाला मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये यूज होता है मेटलर्जी के, मेटलर्जी में ये बहुत यूज होता है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। एक बहुत क्वेश्चन आता था मॉन्ड प्रोसेस के ऊपर, जिसमें रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, इससे हम निकल की रिफाइनिंग करते हैं प्योर स्टेट में बनाने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो ये एग्जाम्पल किसके दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के,
जब मैंने ऊपर जैसे लिखा K4 FeCl6, इसमें क्वारिनेशन एंटिटी मेरा ये था, इस तरह से मैंने जब लिखा CONH36, मैंने लिखा Cl3, तो तुमने ये कहा कि ये वाला जो है सी, इसको अगर मैं देखूं तो ये किसमें टूटेगा, अगर पानी में डाल दिया तो ये क्या बनने वाला है, ये 3+ और ये 3-। तो ये जो NH36 वाला है इसे क्या बोलेंगे, क्वारिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एंड द न्यूट्रल और द आयन्स विच आर बॉन्डेड टू द कोबाल्ट, ये कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था। तो ये पहला डेफिनेशन है व्हाट इज क्वारिनेशन एंटिटी। सर अगर वाटर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक नहीं हो रहा तो कोई कंडीशन है जिससे ब्रेक हो जाएंगे, ये नहीं ब्रेक होगा ना, ये या ये टूटेगा नहीं, ये तो टूट गया जिसने टूटना था, इसी को ही तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, नहीं तो वो डबल साल्ट में तो सारे आयन्स बिखर जाते हैं पानी में, वो टूट जाते हैं। तो क्या डिफरेंस बताया था, ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट, क्या डिफरेंस बताया था मैंने तुम्हें, क्वेश्चन ही दे दिया मैंने तुम्हें, लोग क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी एक तरीके का डबल साल्ट है और डबल साल्ट भी एक तरीके का डबल साल्ट है, लेकिन उसके आयन्स टोटली बिखर जाते हैं, ये वाला नहीं बिखरता ये अंदर, क्योंकि ये कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये बना रहे हैं कोबाल्ट के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, देख रहे हो ऐसे अपने लोन पेयर को दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास थे उसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया जिसकी, ये ऑक्टाहेड्रल वाला है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सारा, अभी हमने स्टार्ट किया चैप्टर, तो इसलिए ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड है किसके साथ, सेंट्रल मेटल, इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। यहां तक हमें समझ में आया, आगे चलते हैं, नोट कर लिया स्टूडेंट्स तुमने, इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छा जो भी मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो होता है इसको हम फिर यूट्यूब में डाल देते हैं, आपको कोई भी चीज मिस हो जाती है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत अपलोड हुए हैं, उनमें भी हमने सारा बताया स्टूडेंट्स को, नोटेड सर, लीजिए समय निकालिए, अरे एक दिन में 15-20 मिनट भी सुनेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, इतना टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेथड होता है स्टडी का, आप कॉपी निकालिए पेन निकालिए, एक वीडियो मेरी खोलिए उसे सुन लीजिए, आपको कितने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और उसके बाद हम आपको टीच कर ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं, फिर पहली तो चीज पता लग गई, उसके बाद ये कहता है कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम या आयन होता है, अब ये तो क्लियर ही है कि एटम और आयन कौन सा है, देखो अभी अगर मैंने ये कंपलेक्स लिखा CONH3, एग्जांपल लेने से और भी आसान हो जाता है समझना, अगर मैंने ये लिखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो इसमें सेंट्रल एटम तो होगा ही ना, सेंट्रल एटम कौन सा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है मेरा वो क्या है, सेंट्रल एटम, तो यहां पर ये कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, तो सेंट्रल एटम है, या अगर मैं लिखूं कोबाल्ट 3+ है तो ये आयन है, सेंट्रल एटम आयन, एटम या आयन मतलब एक ही बात है, तो कोबाल्ट 3+ स्टेट में है, तो ये जब जॉइंड है टू फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसके अराउंड क्या में दिख रहे हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल एटम्स के इन डेफिनेट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है इनका, इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी एक ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट डेफिनेट, एक्सपेरिमेंटली हम इनकी ज्योमेट्री को एक्सरे या और बहुत सारे टेक्निक्स हैं उससे हम देख सकते हैं स्टडी कर सकते हैं, मैं कोई ज्योमेट्री लिखने से पहले मतलब नहीं लिख सकता जब तक एक्सपेरिमेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली इनकी ज्योमेट्री डिटरमिंड है तभी वो बुक में लिखी जाती है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम आयन, तो सेंट्रल एटम आयन जो है स्टूडेंट पहला पॉइंट, ये जो सेंट्रल एटम आयन है स्टूडेंट बेसिकली इसका क्या काम है, एटम आयन ये एक लीविस एसिड होता है स्टूडेंट,
लीविस एसिड कौन से होते हैं? दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बोलो सही है गलत है, जल्दी से बताओ। सही है सर। तो लोन पेयर एक्सेप्ट कहाँ करेगा? कोई 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 जगह भी तो होगी ना जहां पे एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर आ रहे हैं अभी, कहाँ रखूंगा उनको? तो इनके पास वेकेंट होने चाहिए ना, वेकेंट ऑर्बिटल्स, टी ऑर्बिटल्स। तो इसके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका तुम्हें पता ही है, जब मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज लिखी थी, कौन सी लिखी थी? स्कैंडियम से लेके मैं गया था, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से मैं गया था, 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक गया था ZN में। तो इनके पास तुमने लिखा था ना 4s2 3d, इस तरह से। तो s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और p भी होते हैं, p भी होते हैं। तो इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिनमें ये ले सकते हैं। इनके पास क्या होंगे? देखो n-1d है, ns, np, इस तरह से ये सब ऑर्बिटल्स होंगे। तो उनके अंदर ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनके पास चार्ज भी हाई होता है पॉजिटिव, तो वो फिर क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से सेंट्रल एटम जो है वो एक लीविस एसिड है स्टूडेंट, लीविस एसिड। और जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है वो लीविस बेस होता है स्टूडेंट, यही हमने आपको बताया। अब देखो कि ये ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने लिखा कि Fe(CN)6 3-, इसमें भी आप देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयरन का, ये मैं मेथड अभी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर इसको मैं x ले लूं और CN का -1 होता है, तो 6 × ये +6 × -1 है और ये -3 के बराबर है, तो x-6 -3 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3 + 6, तो +3 में है। यहाँ पर अगर मैंने 3 लिखा तो आयरन यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयरन 3+ में है। तो आयरन 3+ एक यहाँ पर सेंट्रल एटम आयन है, आयन है स्टूडेंट। और ये लीविस एसिड है क्योंकि ये इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको पता ही है कि स्कैंडियम, टिटेनियम, क्रोम, मैंगनीज, आयरन यहाँ पर होता है। इसका कितना एटॉमिक नंबर हुआ? 22, 23, 24, 25 और 26 है। 26 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद आ गया, 18 है। तो उसके बाद में क्या लिखा था मैंने, ये एस में जाने वाले हैं, ये डी में जाने वाले हैं, तो ये आपको लगेगा 3d6 है और 4s2 है। लेकिन ये सोचो कि जब ये 3+ में आ गया आयरन, तो ये 3d5, इसका डी काउंट 3d5 रह गया, कितना रह गया? 3d5। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और लिगेंड फील्ड थ्योरी है, वो देखेंगे कि कहाँ कैसे ये अपने ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और फिर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स के होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो इससे पहले देखना चाहे देख ले, मैंने आपको पढ़ाना ही है इसमें, मैं तो करवाऊंगा ही। अगर आपको जल्दी है तो आप वो लेक्चर सुन लो मेरे, जिनको जो चैप्टर ज्यादा जल्दी सुनने हैं, बहुत सारे अपलोडेड हो चुके हैं, आप देख लो उनको सुन लो। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पता लग गया। कोई डाउट है तुम्हें कि हर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल एटम होगा जिसके साथ ही जुड़े होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, और उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, मतलब डेफिनेट ज्योमेट्री भी होगी। ज्यादातर जो ज्योमेट्रीज देखी गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बताओ कौन कौन सी शेप होती है ज्यादातर, आप बताइए ज्योमेट्री कौन कौन सी देखी गई, कौन बता रहा है इसका आंसर स्टूडेंट्स? अरे ऑक्टाहेड्रल देखी, ऑक्टाहेड्रल सुना, स्क्वायर प्लेनर सुना, और इस तरह ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इस तरह के सुने। ये सबसे ज्यादा ये दिखने वाले हैं, ये जो मैंने लिखे हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल और स्केयर प्लेनर, ये सबसे ज्यादा आने वाले हैं हमारे ज्योमेट्री में। तो डेफिनेट ज्योमेट्री है और शेप है किसकी, जो मेटल आयन है उसके अराउंड जो भी ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स लगे। यहां तक समझ में आ गई? बोलो यस सर। आगे चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए स्टूडेंट, यू बी विद मी, यू इंटरेक्ट विद मी। कोई डाउट है तो मैं रुक जाऊंगा, जल्दी नहीं है। और आप अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए, अपना हार्ट, अपना माइंड, अपनी सोल को पूरा लगा दीजिए। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लेने बहुत आसान है स्टूडेंट। जो हमारे लेक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है,
यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की फॉर्म में, असर्टेशन वगैरह की फॉर्म में लिखे जाएंगे पेपर में, दैट्स ऑल। चार में से एक सही है तो बताओ कौन सा सही है। जो कर रहा है रट्टेबाजी वो नहीं आंसर कर पाएगा, जो समझ रहा है स्टूडेंट वो बिल्कुल सही आंसर लिखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, अपनी एनर्जी को कायम रखो, लेक्चर में अटेंशन दो और साथ साथ में चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है, लिगेंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको बताया कि ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर डोनर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एनायंस भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे, किसी ने पॉजिटिव का पूछा था, मैं क्या, वो बहुत कम केसेस हैं, हो सकता है, हो सकता है, मना कोई भी नहीं कर रहा उसको भी। तो आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, किसमें होंगे, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होंगे, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है, एंड दे आर बाउंड विद, मैं कह रहा हूं जुड़े हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बताओ मैंने सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी बताओ। मैं कोई रट्टेबाजी नहीं कर सकता, पर समझा रहा हूं, देखो कैसे अभी इसकी डेफिनेशन बनी। आप ये कह रहे हो कि ये लो ये मेटल है स्टूडेंट, आपने कहा सर इसके साथ तो कोई लिगेंड लगे हैं, मान लो छह लगे हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। आपने कहा नहीं सर चार लगे, मैं कहा सर चार लगा देता हूं कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर डाला मैंने, बाहर तो नहीं लिखे, तो ब्रैकेट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसका मतलब तुमने कहा कि भाई ये जो इनकी ज्योमेट्री भी होती है, आपने कह दिया शेप होती है, तो आपने कहा सर छह तो ऐसे दिखेंगे, ये लिगेंड है, मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहे हैं, देखो ये जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं, बाउंड है विद द मेटल, दे आर बाउंड विद द मेटल। इन्हें क्या हम बोलते हैं, लिगेंड स्टूडेंट्स, इन्हें मैंने क्या बोला, लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आया, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। अब पहला तो लिगेंड्स का पता लग गया डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टूडेंट, कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कहा सर ये नेगेटिव आयन वाले तो है ही है, ठीक है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो तो है ही है, नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस वाले तो है ही है। नेगेटिव आयन कौन से स्टूडेंट होते हैं, एनायंस, एनायंस। तो आपने कहा सर हैलोजन वाले एक्स माइनस तो है ही है, लो सी एल लिख दिया, बी आर लिख दिया, आई माइनस लिख दिया, इस तरह से। फिर आपने कहा ये सी एन भी बड़ा दिखता सर, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो आपने कहा ये लो OH भी होता सर, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब तो मुझे दिख ही रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले। तो फिर आपने कहा सर न्यूट्रल भी हमने देखे हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने कहा ये वाटर दिख रहा है, H2O, अमोनिया भी दिख रहा है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पड़ा हुआ। तो आपने कहा कि ऐसे, तो इस तरह से हमें समझ में आई कि ये लिगेंड हो सकते हैं। और फिर किसी ने कहा सर ये लिगेंड जो है देख रहे हैं आप, अब इनके बारे में एक, ये एक होता है मोनो डेंटेट लिगेंड स्टूडेंट्स, जिसका एक ही दांत है, मतलब उसके पास एक ही एटम है जो डोनेट करता है। अब इनके पास एक एक ही डोनेशन होती है, जैसे सी एल माइनस है, देखो वैसे इसके पास ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, आप देखोगे पड़े हैं, मैंने सही लिखा इसका सी एल का लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसके पास तो है, लेकिन जब ये डोनेट करता है तो सिर्फ एक ही दांत मारता, तो एक ही, ये मोनो का मतलब वन, ओनली वन, तो वन है इसके पास। इसी तरह इन सबका जो मैंने लिखा है वहां पर एक ही डोनर एटम है, एक ही जो है लिगेंड, एक ही एटम है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये मोनो वाले थे स्टूडेंट, मोनो वाले। अब इसके ऊपर भी हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, पहले ये नोट कर लिया, यस सर, अच्छा वेरी गुड। इन्हें मैंने बोला ये थे अभी तक जो मैंने दिखाए थे यूनिडेंटेट,
लिगेंड्स। सर यूनि या मोनो? अरे एक ही बात है, यूनि का मतलब भी एक है, मोनो का मतलब भी एक है, ठीक है? ठीक है, अब आपने कह दिया कि Cl- है, NH3 है, H2O है, ये यूनिडेंडेंट लिगेंड्स में आते हैं, मोनोडेंडेंट लिगेंड्स में आ रहे हैं, मोनो, चलो मोनो भी लिख दिया मैंने। अब आपने कहा सर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा दांत होते हैं, हमने कहा डाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। COO माइनस, अब एक ने सही एग्जांपल दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो? ऑक्सा, ये ऑक्सालिक एसिड पढ़ा तुमने, और ये क्या बन गया? ऑक्सालेटो। ऑक्सालिक एसिड के अंदर दो एच थे ना, उसको हटा दिया तो ये नेगेटिव वाले आ गए, इसको अगर देखो ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, लो इसको और दिखा दूं ढंग से तुम्हें, दिख गया? ये एक तो यहां से, एक यहां से, दो दांत हैं इसके, तो ये डाइडेंटेट है, इसका नाम अभी हम बताएंगे आपको, ऑक्सालेटो कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में OX कहते हैं। ये बहुत यूज होगा, एक और भी बहुत यूज हो रहा है, कोई बता सकता है कौन सा यूज कर रहा हूं? डाइडेंटेट, और एक ज्यादा यूज करता हूं मैं, ये वाला कंपाउंड देखा स्टूडेंट, CH2NH2, यहां पे भी है और यहां पे भी एक दांत है, इसे क्या बोलते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म EN में दिखेगा तुम्हें, ये कौन सा कंपाउंड है? इथेन 1,2-diamine। अगर इसका मैं IUPAC नेम देखूं तो क्या बनेगा स्टूडेंट? इथेन 1,2-diamine, ठीक है? तो इसे EN भी कहते हैं, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन। तो इसके पास देख रहे हो दो दांत हैं, कितने हैं? दो दांत हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका काफी यूज होने वाला है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम है, कितने हैं? दो डोनर एटम्स हैं, ये दो एटम हैं जो अपने लोन पेयर को दे सकते हैं, दे कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम स्टूडेंट्स। तो ये दे कैन बाइंड थ्रू, बाइंड किसके साथ करेंगे? दे कैन बाइंड टू सेंट्रल एटम आयन, एटम और आयन, ठीक है? दे कैन बाइंड टू सेंट्रल थ्रू टू डोनर एटम्स, ठीक हो गया? तो ये क्या बन गए? डाई वाले, और ट्राई वाले भी होते हैं, टेट्रा वाले भी होते हैं, मतलब ऐसे हो सकते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उनको क्या बोलते हैं? एक सिंगल लिगेंड में स्टूडेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। सर EDTA, इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा भी गया। उनमें, उनके अंदर एक, जब एक से ज्यादा होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर एक से ज्यादा होते हैं, तो सिंगल के अंदर ही एक से ज्यादा आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। EDTA को हेक्साडेंटेट भी कह सकते हैं ना? हाँ, वो इसने पूछा था EDTA जो होता है ये किस टाइप का लिगेंड है, ये कैसा है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, गिवन EDTA इज एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। वैसे EDTA जब मैं लिखूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए EDTA। सर ये टेट्रा क्यों आ रहा है? किस बाइंडिंग साइड से ना? क्या चीज है यहाँ पे? टेट्रा क्यों आ रहा है? कहाँ पे टेट्रा आ रहा है? हेक्सा लिखा था ना? नहीं, नाम में EDTA के टेट्रा आ रहा है ना? अरे इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पता लग जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अभी बताता हूँ। ओके ओके सर, याद आ गया, फ्लेक्सीडेंटेट था, फ्लेक्सीडेंटेट है एग्जांपल। अभी यहाँ तक नोट हो गया तो मैं आगे चलूंगा। ओके सर, याद आ गया। अब देखो कैसे बनाता हूँ मैं, तुम मुझे ये बताओ स्टूडेंट, ये कंपाउंड है CH2 CH2 NH NH, जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से करूंगा, इसका क्या नाम है बोलो? यहाँ पे अभी बताया था EN, मैंने अभी बताया था ना शॉर्ट फॉर्म उसकी, इथिलीन डायमीन वाला, इसके पास कितने हैं? दो हैं,
अब मैं क्या करूंगा, ये सारे हाइड्रोजन को हटा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे क्या लगा दूंगा, CH2, CH2, ये N है मेरा स्टूडेंट, ये N है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, CH3COH, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन हटाई, ये लगा दिया CH2CO-, एक और हटा दिया, लगा दिया CH2CO-, यहां भी लगा दिया, लगा दिया। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, अगर मैं एच एच लगाता तो इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट बनता। अब मैंने हाइड्रोजन हटा दिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कितने डोनर एटम्स हैं, 6 डोनर हैं स्टूडेंट एटम्स इसमें, बोलो हैं, ये 1, 2 और 4, ये 6 हैं, बोलो 6। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसका फार्मूला क्या बना, EDTA नहीं है ये, EDTA 4- है स्टूडेंट। अब चीज ये दिमाग में रखो, ये 4- लगा हुआ है, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट में यहां पर क्या होंगे, H और H होंगे, वो चारों अब नहीं है, तब जाके ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो इट कैन बाइंड थ्रू स्टूडेंट्स टू नाइट्रोजन, कैसे बाइंड कर सकता है, टू नाइट्रोजन एटम्स, और फोर कौन से हैं इसके पास, ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आ गई, बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, ये क्वेश्चन में आया था पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया 4- है इसके ऊपर चार्ज। तो ये किसका एग्जांपल है, पॉली, देखो लिगेंड के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, इसके ऊपर दिमाग लगा लो, इसे क्या बोलता हूं, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और होता क्या स्टूडेंट कि जब ये अपने 6 के 6 दांत यूज करेगा, या ये इथिलीन डायमीन अपने 2 के 2 दांत यूज करेगा, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, व्हेन ये सब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स स्टूडेंट लाइक EnOX, EDTA 4- लिखा है मैंने, ठीक है, ये पॉलीडेंटेड है, ठीक है, यूजेस टू और मोर डोनर एटम्स, ठीक है, टू बाइंड ए सिंगल मेटल एटम और आयन, अगर वो एक ही मेटल एटम के साथ अपने 2 या 2 से ज्यादा यूज करेगा एटम्स को, तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ किस टाइप का लिगेंड है ये, की लेट लिगेंड कहा जाता है। की लेट लिगेंड क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं मेटल के अराउंड, ये इंपॉर्टेंट है। कीलेट लिगेंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कीलेट लिगेंड्स विल फॉर्म ए रिंग अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं बहुत स्टेबल हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, कीलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत स्टेबल हो जाते हैं। नोट कर लिया, बोलो तुमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स, यस सर, आगे चलूं, यस सर। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो कीलेट वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं स्टूडेंट, बहुत स्टेबल हो जाते हैं। जब कभी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस स्टूडेंट्स आर हाईली स्टेबल, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
तो यहाँ पर आप देखा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, जैसे कि कीलेट बन जाता है, अगर मैं ये कहूँ कि COEN3 है कोई कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट 3+। अब होता क्या है कि जैसे बाद में हम इसको देखेंगे ही, देख रहे हो ऐसे रिंग, ये मैंने दिखाई, ये रिंग बना रहा, ये EN है, इथिलीन डाइअमीन है, इथिलीन डाइअमीन है, ये बाइरेंडेड लिगेंड है, ये रिंग बन रही है, आपको दिख रही है रिंग बन रही है, क्योंकि ये कैसे होता है CH2, ये NH2 है स्टूडेंट्स, और ये भी देख रहे हो NH2 है, और ये यहाँ पे ये कोबाल्ट है, तो ये जब ऐसे बन गया, ये रिंग बन गई, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन रही है, कितने मेंबर 5 मेंबर रिंग बन रही है इस तरह से, एक ये वाली 3, 5 मेंबर रिंग्स बन रही है, तो ये देख रहे हो रिंग बन गई है इसके अराउंड कोबाल्ट के अराउंड। बोलो समझ में आ गया, तो इन्हें क्या बोलते हैं कीलेट वाले कंपाउंड, दे फॉर्म रिंग्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, दे आर मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों होते हैं स्टूडेंट, कोई बता सकता है इसका आंसर? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाते हैं ज्यादातर, 5 और 6 मेंबर रिंग तो बहुत स्टेबल होती है, छोटी रिंग्स बन नहीं सकती क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर की रिंग क्या होती है? 5 से कम मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, 5 के अलावा स्टेबल होती है। 5 और 6 वाली स्टेबल होती है, छोटे वाले में एंगल नहीं सर, आप सही कह रहे हो, 5 स्टेबल होती, फिर 7, फिर 6। तो इस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि जब ये रिंग्स बन जाती है स्टूडेंट, तो उतने ही ये एटम्स को रिलीज कर देते हैं बाहर, ये देखो उतने ही इसने बाहर रिलीज कर दिए, तो उससे क्या होगा एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो एंट्रोपी बढ़ने से क्या होता है कि जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि व्हाट आर कीलेट लिगेंड्स, व्हाट आर कीलेट लिगेंड्स, इनके यूजेस भी बहुत होते हैं क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। किसी की एक्टिविटी को बंद करना है, बाइंड करना है, तो हम कीलेट कंपाउंड बना देते हैं स्टूडेंट, तो वो मेटल आयन के साथ जुड़ जाते हैं, मेटल की एक्टिविटी ही खत्म हो जाती है, इतना उसको घेर लिया चारों तरफ से, बंद कर दी उसकी एक्टिविटी, एक्शन को खत्म कर दिया। कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे उनको हमने खत्म करना है, तो मैं उसके अंदर कोई ऐसा रिएजेंट डालूंगा कि उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना दे, ताकि वो मेटल तो फिर फ्री में रहा ही नहीं, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, वो फिर आपके स्टोमिक से बाहर चले जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से इनके कई तरीके के यूजेस होते हैं, एनालिटिक एप्लीकेशंस भी होती हैं। अब एक और लिगेंड बता दूं जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, उसे क्या बोलते हैं एम्बिडेंट वाले लिगेंड कौन से होते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी पढ़े थे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो कि ऐसे ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो जब बाइंड करते हैं तो दोनों में से एक से ही बाइंड करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लिगेंड्स विच कैन लिगेट थ्रू ligands which can ligate through two different atoms से वो ligate कर सकते हैं, ठीक है, but at one time they ligate through only one donor atom, तो इस तरह से फिर उनके आइसोमर बन सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, वन डोनर एटम स्टूडेंट्स। कोई आप एग्जांपल दे सकते हो एम्बिडेंट का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मिल रहे हैं 30 सेकंड आंसर के लिए स्टूडेंट, आप बताइए कोई इसका आंसर दे सकता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का? नाइट, देखो ये आने वाले हैं पेपर में क्वेश्चन, उन्हीं की डिस्कशन हो रही है सर। थाइनोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, सॉरी साइनाइड, साइनोसाइनाइड। आपने देखा होगा स्टूडेंट एक ये NO2 के बारे में बहुत बात होती है,
ये बहुत बार ये बात करेंगे NO2 के बारे में। देखो यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइट तो यहाँ पर भी है इनके पास, यहाँ पे देखो। अब ये या तो ऑक्सीजन से डोनेट करे या नाइट्रोजन से डोनेट करे, दो एटम है। लेकिन एक बार जब कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। अगर ये मेटल के साथ मैंने स्टूडेंट मेटल के साथ मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया नाइट्रोजन, तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो एन। नाइट्रोजन जुड़ी है मेटल के साथ, और अगर मैंने स्टूडेंट ऑक्सीजन को जोड़ दिया, अगर ऑक्सीजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना दिया स्टूडेंट, तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ बन गया, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, एम्बिडेंट एम्बिडेंट, ये एक एम्बिडेंट लिगेंड, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया था, ठीक है। यहां पर मैं लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, तो ये एम्बिडेंट। सर बोलो, फिजिक्स की क्लास का टाइम हो गया है, बस अभी ये 2 मिनट का टाइम है, खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पे ही हमारा स्टॉप हो रहा है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और एक ये SCN है स्टूडेंट, इसमें अगर सल्फर ने बॉन्ड बना दिया मेटल के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और अगर मेटल के साथ स्टूडेंट नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसो थायोसाइनेटो। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास कौन से लिगेंड्स हैं, साइनेटो साइनेटो, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो दो एटम्स डिफरेंट थे जो बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन दोनों में से एक ही बनाएगा, तो इसके कारण इनके कई जो है ना बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दो बन जाएंगे आइसोमर्स, बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टूडेंट्स। तो फिर हमने आपको यहाँ पे बताया कि मेटल आयन होगा, लिगेंड्स होंगे, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, कितने, एक में एक मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, पोली भी हो सकते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। तो इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर नमस्ते, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। एक बात बता दूँ, जितने भी लेक्चर अपलोड हमने किए हैं उनको सुन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और असर्टिव फॉर्म में भी, तो आप उनको समझ लीजिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कभी भी नहीं कहा कि रट्टेबाजी करो, और आपको ऑर्गेनिक वगैरह में बहुत फायदा होगा। तो नमस्ते, फिर मैं मिलता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी फ्रेंड्स को भी इनको शेयर कीजिए, ताकि वो आप आने वाले इस क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें। अच्छा, नमस्ते, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।